की साइज चेंज कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, रिफ्लेक्ट कर रहे हो, ये सारी ट्रांसफॉर्मेशंस में आती है एंड वी विल डिस्कस देम वन बाय वन. सो ट्रांसफॉर्मेशंस, 2D ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या, दो एक्सेस हैं आपके पास, एक्स और वाई एक्सेस, यू आर इन टू डायमेंशनल प्लेन एंड इन टू डायमेंशनल यू आर आइदर चेंजिंग द पोजिशन, चेंजिंग द साइज, रोटेटिंग द ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्टिंग द ऑब्जेक्ट अबाउट द एक्सेस. रिफ्लेक्शन का मतलब हम देखेंगे मिरर इमेज निकालना, ये सब वी विल स्टडी वन बाय वन ऑल दीज ट्रांसफॉर्मेशंस. अब ट्रांसफॉर्मेशंस बेटा दो टाइप की होती है, फर्स्ट इज द ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकेंड इज द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन. वॉट इज ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन? ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज केप्ट स्टेशनरी. द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज केप्ट स्टेशनरी, तो आपकी एक्स और वाई एक्सिस अपनी पोजिशन पे रहेंगी. अगर ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ऑब्जेक्ट में चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट का या तो उसको पोजिशन चेंज करोगे या ऑब्जेक्ट का साइज ऑल्टर करोगे, बड़ा छोटा करोगे, पहले बड़ा था फिर छोटा कर दिया. सो द कोऑर्डिनेट सिस्टम रिमेन स्टेशनरी, इट विल नॉट मूव, द एक्सिस विल रिमेन द सेम एंड देर विल बी नो चेंज इन द एक्सिस, इट विल बी स्टेशनरी एंड ओनली चेंज इज देयर इन द ऑब्जेक्ट. दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन. जबकि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या, कोऑर्डिनेट को चेंज करना, कोऑर्डिनेट को ट्रांसफॉर्म करना. तो इसका मतलब होता है कि यू हैव दिस एक्सिस, इस एक्सिस को आप ऑब्जेक्ट की पोजिशन सेम रहेगी, एक्सिस की पोजिशन आप ऊपर नीचे कर सकते हो. ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजिशन सेम रहती है, यू आर ओनली चेंजिंग द पोजिशन ऑफ द एक्सिस. दिस इज कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन. आई होप यू हैव गॉट द डिफरेंस बिटवीन दोज टू, दीज टू. ज्योमेट्रिक में बेटा ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम इज स्टेशनरी. जबकि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम इज चेंज्ड. इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया, ज्योमेट्रिक में और कोऑर्डिनेट में? यहां तक कोई डाउट है तो पूछो. सीएससी 2 एंड सीएससी 3 कोई डाउट है तो पूछो यहां तक. चलो, अब हमारे कोर्स में वी हैव ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ओनली, वी हैव ओनली ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन. इन ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन वेरियस ट्रांसफॉर्मेशंस वी विल स्टडी वन बाय वन. इसका मतलब है फर्स्ट वी विल स्टडी ट्रांसलेशन, दैट इज मूविंग द पॉइंट फ्रॉम वन पोजिशन टू द अदर, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. तो हम पोजिशन चेंज कर रहे हैं किसी भी पॉइंट की फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर. So, suppose I have a point P and I am moving to this to a point P dash. तो नए वाले के coordinates क्या है, x dash, y dash, previous वाले के क्या है, x, y. तो x dash कैसे मिला, x में कुछ shift factor लगाकर. इस shift vector को या shift factor को या translation factor को tx बोलते हैं. सिमिलरली y डैश कैसे मिला, y के अंदर कोई ट्रांसलेशन फैक्टर लगाकर. इस ट्रांसलेशन फैक्टर को शिफ्ट वेक्टर या ट्रांसलेशन वेक्टर भी बोलते हैं. सो व्हाट वी आर डूइंग इस ट्रांसलेशन में, वी आर चेंजिंग द पोजिशन और मूविंग द पॉइंट और द ऑब्जेक्ट. यहां तो पॉइंट दिखाया, यू कैन मूव द ऑब्जेक्ट ऑल्सो. ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है देखो, the new position of x is equal to old position plus shift vector, new position of y is equal to old position plus ty. या tx ty को क्या बोलते हैं, shift vector और translation vector. यहां तक कोई doubt? इस page में ये दोनों equations clear हैं? CSE 2, I have noticed yes, that नहीं, देर इज वेरी लेस. एक तो अटेंडेंस तुम्हारी क्लास में हमेशा ही इश्यू है और तुम्हारी क्लास में से मुझे फीडबैक भी बहुत कम मिलता है. आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर क्लासेस, आई हैव टू टॉक टू अदर टीचर्स एंड आस्क.
बट लैब में तो फिर भी योर पीपल आर कमिंग, आई एम नॉट श्योर अबाउट द क्लास। सीएससी 3 के बच्चे हैं यहाँ पर? सीएससी 2, सीएससी 2 ही दिख रही है मुझे। यस मैम। सूरज, ओके, आर यू टेकिंग द अटेंडेंस? यस मैम। पिछली क्लास में कितने बच्चे थे आपकी क्लास में से? आज सुबह से ही मैम, लास्ट क्लास में भी अटेंडेंस मतलब नॉर्मल से कम थी। क्यों? लेकिन व्हाई टुडे? उसका तो मैम आइडिया नहीं है अभी। और सीएससी 2, तुम्हारी अटेंडेंस तुम्हारी ठीक है? यस मैम, हम इतने ही है, जनरली इतने ही होते हैं। तो फिर सीएससी 3 आज कम है, क्यों पता नहीं। चलो लेट्स सी। तो बेटा, वी हैव सीन व्हाट ट्रांसलेशन इज मूविंग एंड दिस इज द इक्वेशन। अब जब भी हम किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो वी हैव टू रिप्रेजेंट द ट्रांसफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्यों करते हैं ये सब हम देखेंगे, बिकॉज जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मैट्रिक्स बनाना इजी होता है। जैसे अगर मैं एक पॉइंट की बात करती हूँ तो एक पॉइंट के लिए तो ये एक 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 की रो आ रही है या एक एक ही कॉलम आ रहा है। लेकिन अगर मैं पूरे ट्राइंगल की बात करती हूँ तो मुझे पूरे ट्राइंगल के लिए I have to make either जैसे A dash, B dash, A dash, suppose इसके भी points हैं X1, Y1, इसका point है X2, Y2, और इसका point है X3, Y3। तो matrix बनाने से क्या होता है बेटा? It becomes easier to represent these 6 points in a single matrix। अगर 6 point है तो मैं single matrix बनाऊंगी X1 dash, Y1 dash, X2 dash, Y2 dash, X3 dash, Y3 dash। तो जो भी हम आगे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ना उसमें, बिकॉज वी डोंट हैव अ सिंगल पॉइंट, हम सिंगल पॉइंट का साइज वाइज नहीं चेंज कर सकते। सिंगल पॉइंट को मूव करने का कोई खास फायदा नहीं है। सिंगल पॉइंट को रोटेट नहीं कर सकते, कर सकते हैं मतलब दिस इज नॉट बेनिफिशियल। अगर आप अपनी कोई भी एप्लीकेशन देखते हो तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को मूव करने का, ऑब्जेक्ट्स को रिसाइज करने का, रोटेट करने का फायदा होता है। तो इसलिए विद रिस्पेक्ट टू जब हम ऑब्जेक्ट देखते हैं तो सारे पॉइंट्स को अकोमोडेट करना पड़ता है। इसीलिए जितनी भी हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे उसके अंदर वी हैव टू रिप्रेजेंट देम इन अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या बात करी कि एक्स डैश कैसे आ रहा है, नेक्स्ट पोजिशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रीवियस पोजिशन प्लस टी एक्स, वाई डैश कैसे आ रहा है, वाई प्लस टी वाई, प्रीवियस पोजिशन प्लस ट्रांसलेशन फैक्टर। अब इसको रिप्रेजेंट मैट्रिक्स में कैसे करना है? तो बेटा, व्हेनेवर वी स्टडी मैट्रिसेस, टू रिप्रेजेंटेशन वी शुड नो। फर्स्ट इज द रो मेजर रिप्रेजेंटेशन, इसको हम रो वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं या रो मेजर बोलते हैं, रो मेजर। और दिस इज माई कॉलम मेजर, रो मेजर एंड कॉलम मेजर। देखो फर्स्ट वाली में एवरीथिंग द पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रो, एंड इन द सेकंड वन इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉलम। अब देखो जब इनको ऐड करोगे तो एक्स डैश कैसे आ रहा है, एक्स प्लस टी एक्स, तो इक्वेशन तो वही आती है। तो ओनली थिंग इज यू हैव रिप्रेजेंटेड देम इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। वाई डैश कैसे आ रहा है, वाई प्लस टी वाई, तो यू हैव ओनली रिप्रेजेंटेड देम इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, अदरवाइज द फॉर्मूला द इक्वेशन रिमेन्स द same। So I hope you have an idea about now about translation। Pehli transformation jo maine aapko batai wo hai translation। Translate karna matlab move karna, position change karna। Isme tx ty ko kya bolte hain, hamare shift vector ya translation vector, matlab ye batate hain kitna object move ho raha hai। Koi doubt iske andar yahan tak translation mein, to you can ask। नेक्स्ट इज स्केलिंग, रोटेशन में लास्ट में कराऊंगी। नाउ वी विल स्टडी द सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन, हियर द थर्ड वन स्केलिंग। तो स्केल करने का, ट्रांसलेट करने का क्या मतलब था, मूव करना, और स्केल करने का मतलब क्या है, साइज साइज ऊपर नीचे करना। यू आर ऑल्टरिंग द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो सपोज आई हैव अ ट्राइंगल एंड आई हैव टू चेंज the triangle to double its size। तो बेटा एक चीज का ध्यान रखना है कि position change नहीं होगी, triangle will be changed to double its size।
सो इसमें स्केलिंग फैक्टर क्या होगा? टू. डबल हो रहा है ना, तो स्केलिंग फैक्टर क्या होगा? टू. और अगर मैं बोलती हूँ हाफ द साइज, तो स्केलिंग फैक्टर हो जाएगा हाफ. तो बेसिकली स्केलिंग इज यूज टू चेंज द ऑल्टर द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब वहां पे आप क्या करते थे, x डैश वॉज इक्वल टू x प्लस टी एक्स. जब मूव करते थे पोजिशन चेंज करनी है, यहां पर आपको साइज ऊपर नीचे करना है, तो यू हैव टू यूज द मल्टीप्लाई ऑपरेटर. तो यहां पर x डैश न्यू वैल्यू ऑफ पॉइंट x इज इक्वल टू x इंटू एस एक्स. न्यू वैल्यू ऑफ y डैश इज इक्वल टू y इंटू एस वाई. देखो सपोज आई हैव अ ट्राइंगल एंड दिस पॉइंट इज एक्स वाई, या एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू एंड एक्स थ्री वाई थ्री. अब मुझे ये सारे पॉइंट्स को स्केल करके ट्राइंगल को डबल करना है, तो मैं कैसे करूंगी? एक्स वन डैश कैसे आएगा? एक्स इंटू टू, डबल करना है ना, या इसको लिख सकती हूँ एक्स इंटू एस एक्स. यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर डबल है तो टू हो जाएगा. y1 डैश कैसे आएगा? y y1 इंटू एस वाई. तो पुरानी वैल्यू में कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो साइज ऊपर नीचे होगा ना, तो अगर डबल करना है तो स्केलिंग फैक्टर टू हो जाएगा, अगर हाफ करना है तो स्केलिंग फैक्टर हाफ हो जाएगा. जरूरी नहीं है कि स्केलिंग फैक्टर सेम हो इन x एंड y डायरेक्शन. यू कैन स्केल x टू टू एंड यू कैन स्केल y टू थ्री. इसको डिफरेंशियल स्केलिंग बोलते हैं, मैं आगे बताऊंगी. So that is also possible. The only thing you need to remember is that in scaling factor, scaling, the value of the scaling factor is multiplied. Yahan tak koi doubt? Equation samajh mein aayi hai CSE 2? Yes, ma'am. Ab isko matrix ke form mein jab represent karte hain, jab matrix ke form mein represent karte hain, to beta row major aur column major mein, jaise humne abhi dekha tha, इसके अंदर तो ऐड ही करना था टी एक्स टी वाई में, तो यहाँ तो कोई अलग मैट्रिक्स नहीं बन रही थी. आपने देखा होगा यहाँ पे तो टी एक्स टी वाई बस लिख दिया, ऐड ही करना है. तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसको पहले लिखो इसको पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. यू आर ओनली एडिंग, बिकॉज व्हेन वी एड मैट्रिसेस द ऑर्डर डज नॉट मैटर. बट वी ऑल नो दैट व्हेन वी यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन देन ऑर्डर डज मैटर. तो बेटा इस चीज का ध्यान रखना है. क्यों? बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का रूल होता है कि सपोज टू इंटू वन है और वन इंटू टू है, तो इसके सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू इसके फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ये हमें पता है. तो यहाँ पर भी कॉलम मेजर में रो मेजर में ध्यान रखना है. वेन वी टॉक अबाउट कॉलम मेजर, तो मेट्रिक्स पहले आता है, चाहे आप स्केलिंग करो चाहे रोटेशन करो, ट्रांसलेशन में तो एड ही हो रहा है. और आपका जो एक्स वाला मेट्रिक्स है, जो पॉइंट्स वाला मेट्रिक्स है, वो बाद में आता है. तो इनपुट मैट्रिक्स बाद में आता है कॉलम मेजर में, और मैट्रिक्स दूसरा वाला पहले आता है. और रो मेजर में उल्टा होता है. रो मेजर में एक्स वाई आना चाहिए ना. रो मेजर का मतलब क्या? ये एक्स वाई. तो दिस इज व्हाट, इसका डायमेंशन क्या होगा? वन इंटू टू, और इसका टू इंटू टू है. तो रो मेजर में ये पहले आएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ये सब चीजें हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में करते हैं. देखो इसका टू क्रॉस टू ऑर्डर है, और कॉलम मेजर का मतलब क्या है? वन रो, सॉरी टू रो एंड वन कॉलम. तो इसके अंदर मैट्रिक्स पहले आएगा और इनपुट बाद में आएगा, तभी मल्टीप्लाई होगा ना. अगर ये पहले लिख दिया तो टू क्रॉस वन और टू क्रॉस टू हो जाएगा, ये दोनों आपस में कंपैटिबल नहीं है, तो मल्टीप्लाई नहीं होंगे. तो ये हर किसी के लिए ऑर्डर सेम रहेगा. ध्यान रखो कॉलम मेजर में मैट्रिक्स विल ऑलवेज कम फर्स्ट एंड इनपुट विल कम आफ्टरवर्ड्स. अब इसी का रो मेजर देखो क्या होगा. रो मेजर का मतलब क्या होता है? एक्स डैश वाई डैश रो फॉर्म में लिखो. इसके अंदर बेटा एक्स वाई पहले आता है और फिर हमारा मैट्रिक्स आता है. अब मैट्रिक्स का एम क्या है कि जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये वाली चीज मिलनी चाहिए. तो मल्टीप्लाई कर कर देखो, ये वाली चीज मिल रही है. व्हेन यू मल्टीप्लाई लाइक दिस, एक्स डैश विल कम आउट टू बी एस इंटू एस एक्स प्लस जीरो इंटू वाई. वाई डैश इज इक्वल टू एस
जीरो इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एस वाई, तो ये टर्म कट जाता है, तो इक्वेशन तो बेटा मेरी वही आ रही है, इक्वेशन इज कमिंग द सेम. सो द एम इज व्हेन मल्टीपल पॉइंट्स आर इन्वॉल्व, ट्रायंगल इन्वॉल्व है उसको स्केल करना है, तो सारे पॉइंट्स के लिए अलग अलग करना पड़ता है, इसीलिए सिंगल मैट्रिक्स बना देते हैं. व्हेन वी डिस्कस न्यूमेरिकल्स दिस पार्ट विल बी क्लियर. सो मैट्रिक्स हैज टू बी मेड वेदर यू डू एनी ट्रांसफॉर्मेशन, ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑर्डर मैटर करता है मैट्रिक्स का. कॉलम मेजर में मैट्रिक्स पहले आता है और इनपुट बाद में आता है, और रो मेजर में उल्टा होता है, पहले इनपुट आता है और फिर मैट्रिक्स आता है. अब यहाँ पे देखो मैट्रिक्स दोनों में सेम है, ये देखो एस एक्स जीरो जीरो एस वाई, यहाँ पे देखो ये भी सेम मैट्रिक्स आ रहा है ना रो और कॉलम मेजर में, लेकिन जब हम रोटेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि ये मैट्रिक्स जरूरी नहीं है सेम, ठीक है, ये बात का भी ध्यान रखना. स्केलिंग में तो सेम है, रोटेशन में जरूरी नहीं है कि इट विल बी सेम. तो इतना समझ में आया स्केलिंग के बारे में, इक्वेशन क्या होती है, रो मेजर कॉलम मेजर में क्या डिफरेंस है, ये सब चीजें क्लियर हो गई. यस मैम. अब एक चीज, यस मैम, दो तीन चीज. ओके, सो सपोज द वैल्यू ऑफ एस एक्स एंड एस वाई इज ग्रेटर देन वन, मतलब यू आर चेंजिंग द साइज टू डबल और ट्रिपल, तो obviously the size will increase, size of the object increase करेगा. और suppose sx sy is less than one, suppose half है या one fourth है, तो size decrease करेगा, ये logical सी बात है. तो scaling से you can either increase or decrease the size, ये भी हमें पता चला. और फिर मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि sx sy same हो, अगर जरूरी है, अगर both are same, then the object is scaled uniformly, मतलब x से जितना डबल हो रहा है y से भी उतना ही डबल हो रहा है, चारों तरफ से every side से it is increasing at the same rate. लेकिन एक होती है differential scaling, जब scaling factors in the x and y direction are not same, समझ में आया? तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि sx sy greater than 1 है तो साइज बढ़ता है, नहीं तो साइज, ये हाफ नहीं है वन है सॉरी, तो साइज घटता है. अगर लेस देन वन है तो साइज विल डिक्रीज. और यूनिफॉर्म स्केलिंग का क्या मतलब है? बोथ एस एक्स एंड एस वाई आर सेम और डिफरेंशियल दे आर नॉट सेम. यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछो. So if you have understood, then let's move to rotation. Or rotation थोड़ा सा typical topic है. You have to understand clearly. अब बेटा दो transformations की हमने बात करी. हमने बात करी एक translation की और एक scaling की. Translation क्या होता है? Move करना है object को. ये सारी transformations हैं. Change कर रहे हो ना object में कुछ ना कुछ. और एक है आपका scaling. Size में change कर रहे हो. ये position change, ये size change. Third is my rotation. थर्ड इज माई रोटेशन. अब रोटेशन में दो चीजों का ध्यान रखना है. एक तो रोटेशन एंगल हमें पता होना चाहिए, किससे रोटेट करना है, सपोज एंगल इज थीटा. दूसरा हमें रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए जिसके अबाउट रोटेशन करनी है. तो इस रेफरेंस पॉइंट को मैं बोलती हूँ पिवट पॉइंट, मतलब एंगल कहाँ से मेजर हो रहा है, किस पॉइंट के हिसाब से आप ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हो. जैसे कि अगर ये ट्रायंगल है तो एक तो है कि मैं ओरिजिन के अबाउट रोटेट कर रही हूँ, एंगल यहां से कैलकुलेट कर रही हूँ, या फिर एक है कि मैं ट्रायंगल के इस पॉइंट, इसको रेफरेंस पॉइंट मान रही हूँ, इसको स्टेशनरी रख के बाकी सबको रोटेट कर रही हूँ. तो रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड माय पिवट पॉइंट, दिस शुड बी नोन इन रोटेशन, एंड द एंगल शुड बी नोन. रोटेशन का एंगल विच इज इन डिग्रीज शुड बी नोन. ये दो चीजें हमें रोटेशन के लिए पता होनी चाहिए. ये समझ में आया? इज दिस क्लियर? यस. अब दूसरी चीज क्या है? सपोज आई हैव अ पॉइंट एंड आई हैव टू रोटेट अ पॉइंट. पी पॉइंट है,
उसको रोटेट करके मैं लेकर जा रही हूँ पी डैश पे, ये पी पॉइंट है एक्स वाई, इसको मैं रोटेट करके लेकर जा रही हूं एक्स डैश वाई डैश। अब मुझे ये बताओ कि यू आर मूविंग इन विच डायरेक्शन, आर यू मूविंग इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन? क्लॉक की तरह चल रहे हो कि नहीं? एंटी क्लॉक वाइज। व्हेन वी मूव इन द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन देन द एंगल इज माय पॉजिटिव एंगल, एंगल पॉजिटिव रहता है, वी हैव अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द एंगल इफ यू आर मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे। अब सपोज मेरे पास पी पॉइंट यहां है और मैं पी डैश पे मूव कर रही हूं, आई हैव एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश हियर, तो आई एम मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक, घड़ी की तरफ से चल रही हूं ना क्लॉक वाइज। इन दिस केस बेटा द एंगल इज नेगेटिव, यहां पे इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जब हम 3D ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो यहां तब आपको पता चलेगा और डिफरेंस। और दूसरा यहां पे तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का फॉर्मूला ही अलग है, यहां तो आप फॉर्मूला डिफरेंट मैट्रिसेस से डिराइव करोगे, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो अभी बस तीन चार चीजें समझनी है, पहली चीज आपको एंगल पता होना चाहिए थीटा किससे बाद रोटेट करना है, दूसरा पिवट पॉइंट पता होना चाहिए ओरिजिन है या कोई और पॉइंट है, तीसरा आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर आपका एंगल पॉजिटिव है तो काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, और अगर नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो। इतना समझ में आया? आर द थ्री पॉइंट्स क्लियर? यस मैम। ये चीज पता होनी चाहिए। अब हम डेरिवेशन पे चलते हैं, तो जरा डायग्राम की तरफ पहले देखें, पहले डायग्राम समझना जरूरी है उसके बाद डेरिवेशन करेंगे। अब मुझे ये बताओ कि सपोज आई हैव पॉइंट पी एंड पॉइंट पी डैश, मुझे रोटेट करना है पहले, तो मैं पी से पी डैश में आ रही हूं, तो मुझे पहले ये बताओ ये डेरिवेशन किसकी है, मतलब पॉजिटिव एंगल है क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, क्या है ये, विच डायरेक्शन आर यू मूविंग? पॉजिटिव It is a positive angle and we are doing the derivation for anti-clockwise. क्यों? क्योंकि P से P dash जा रहे हो, anti-clockwise direction है, positive angle है. तो जब मैं formula निकालूंगी बेटा वो anti-clockwise positive angle के लिए, अगर आपको plus 30 degree given है तो आप ये वाला formula लगाओगे, और अगर minus 30 का होगा तो मैं दूसरा formula derivate करूंगी आपके साथ। तो ये positive angle के लिए, इतना clear हो गया। अब देखो ये P point है xy, इसको rotate करके P dash पे लेकर आए, ठीक है। एंगल क्या गिवन है बच्चे? एंगल इज गिवन, रोटेशन एंगल बिटवीन पी एंड पी डैश इज थीटा, थीटा। और आपने मुझे अभी बताया कि एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव एंगल है, इसमें कोई डाउट? अभी मैंने बाकी कुछ एक्सप्लेन नहीं करा। फिर मैंने बोला कि इसमें द रेफरेंस पॉइंट और द पिवट पॉइंट इज माई ओरिजिन, जो तो ये जो डेरिवेशन है इसमें पिवट पॉइंट ओरिजिन है, ये मैंने आपको बताया, और एंगल इज माय थीटा एंगल। पिवट पॉइंट इज ओरिजिन एंड एंगल इज माय थीटा एंगल। इतना क्लियर हो गया बच्चे? यस मैम। एंड बिकॉज इट इज गोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सो इट इज द पॉजिटिव एंगल। अब मैं आगे बढ़ रही हूं। अब क्योंकि ये पॉइंट एक्स वाई है तो ये ट्रायंगल क्वेश्चन में नहीं गिवन थे, आपको सिर्फ ये गिवन था ये पी है ये पी डैश है ये यहां से मूव करना है थीटा डिग्री से बस। अब ये एंगल मेजर करना है तो ओरिजिन हमारा पिवट पॉइंट है तो एंगल पिवट से ही मेजर होंगे ना, रेफरेंस पॉइंट वो है, तो मैंने एंगल मेजर करने के लिए ट्रायंगल बना दिया कि ये पिवट पॉइंट से मेजर हो रहे, ठीक है। तो एक ट्रायंगल तो ये है, ये P पॉइंट का ट्रायंगल बना रही हूं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब बेटा P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? X और Y। तो X डायरेक्शन में दिस वैल्यू इज माय X एंड दिस वैल्यू इज माय Y। इतना समझ में आया? क्यों मैंने इसको ओरिजिन से बनाया? क्योंकि रेफरेंस पॉइंट इज ओरिजिन और ओरिजिनल एंगल जो है मेरा ये मेरा फाई है, ये ओरिजिनल एंगल है जो P बना रहा है ओरिजिन के साथ, ये ओरिजिनल एंगल है फाई।
तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है, क्योंकि पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई है, तो दिस इज माय एक्स एंड दिस इज माय वाई एंड द ओरिजिनल एंगल इज फाइव. यहां तक कोई डाउट इस ट्राइंगल में? नो मैम. अब एक चीज और ध्यान देनी है कि बेटा वेन एवर यू आर रोटेटिंग, अगर मैं पॉइंट पी को पी डैश पे रोटेट कर रही हूं, द एंगल इज चेंजिंग, इनके बीच का एंगल थीटा हो रहा है. तो अब पोजिशन पी पहले यहां पर था, अब उसको रोटेट करके मैं पी डैश बनाकर ले आई हूं, है ना. पॉइंट तो पी था, उसको चेंज कर दिया तो पी डैश बन गया, रोटेट कर दिया. तो जो डिस्टेंस है फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जो रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन है, ओरिजिन से पी का जो डिस्टेंस है वो आर है, और पी डैश का डिस्टेंस ओरिजिन से भी आर है, क्योंकि आप ट्रांसलेट नहीं कर रहे हो पी को, आप उसकी पोजीशन नहीं चेंज कर रहे, आप सिर्फ उसको रोटेट कर रहे हो, तभी डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट पॉइंट विच इज ओरिजिन टू पी इज आर एंड टू पी डैश इज ऑल्सो आर. क्यों? क्योंकि यू आर नॉट मूविंग पॉइंट पी टू पी डैश, यू आर ओनली चेंजिंग और रोटेटिंग, यू आर रोटेटिंग बाय डिग्री थीटा एंड बाय एंगल थीटा, एंड द पोजिशन फ्रॉम द ओरिजिन इज नॉट चेंजिंग, पोजिशन तो आ ही रह रही है ना, इसीलिए दोनों लाइन्स आ रहे हैं, ये समझना जरूरी है. यहां तक कोई डाउट? तो मैंने ये बोला कि ये ट्राइंगल हम देख चुके हैं, ये एक्स है, ये वाई है, ये आर है, ये एंगल फाई है. यहां तक कोई डाउट बच्चे? अब इस ट्राइंगल की बात कर रही हूं, इस ट्राइंगल में ये आर है, ये पॉइंट क्या है, व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस इज एक्स डैश, व्हाट इज दिस लाइन, ये लाइन क्या है, वाई डैश. वाई डैश क्यों? क्योंकि ये पॉइंट एक्स डैश वाई डैश है, तो ये अगर एक्स डैश है तो ये वाई डैश है. यहां तक किसी को डाउट? अब अगर मैं एंगल की बात करूं नए ट्रायंगल में, जो मैंने शेडेड है, पूरा ओरिजिनल एंगल तो फाई था, ये वाला नो मैम, यहां से यहां मूव करा तो थीटा आ गया. अब टोटल एंगल इसके अंदर क्या होगा, व्हाट इज दिस टोटल एंगल, ये टोटल एंगल क्या बनेगा मुझे बताओ. थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई वाई, ये फाई था, ये इन दोनों पी और पी डैश के बीच में एंगल आपको थीटा लेकर आना, ये थीटा है ना दोनों के बीच में, ये फाई है, ये थीटा है, टोटल एंगल क्या हो गया, फाई प्लस थीटा. कोई डाउट इसके अंदर? टोटल एंगल समझ आया? यस मैम. सो वी हैव डन टिल पी, इसका एंगल फाई था, इस वाले का टोटल एंगल क्या हो जाएगा, फाई के साथ थीटा ऐड कर दिया, फाई प्लस थीटा. दूसरी चीज समझने वाली ये थी कि डिस्टेंस आर एंड आर विल रिमेन द सेम. आगे आगे बताऊं आप, इज द डायग्राम क्लियर बच्चे को? डायग्राम में डाउट है तो पूछें. तो आगे मैं बढ़ती हूं. अब सबसे पहले बच्चे वी हैव टू कंसिडर दिस, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में अगर मैं कॉस फाई का फॉर्मूला लगाऊं, तो कॉस फाई का फॉर्मूला क्या है हमारा, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, और यू कैन से बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस इज माय एक्स, हाइपोटेन्यूज इज माय आर. इस ट्राइंगल को देखो और कॉस फाई का फॉर्मूला लगाओ, ये सब हमने त्रिगो में करा हुआ है. cos phi का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेटा व्हाट इज बेस, x बाय हाइपोटेन्यूज इज r. इतना समझ में आया? यस मैम. यस. अब इसको यहां ले जाओ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, r cos phi. ठीक है, अब यहां तक कोई डाउट है तो पूछें. सिर्फ आई हैव अप्लाइड द फॉर्मूला ऑफ cos phi इन दिस ट्राइंगल, बेस एक्स बाय हाइपोटेन्यूज आर. अब अगर मैं साइन फाई का फॉर्मूला लगाऊं, इट विल बी वाई बाय आर, वो क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज,
दिस इज माई परपेंडिकुलर, y by hypotenuse is r, यहां तक कोई डाउट बेटा? फिर इसको यहां ले गई हूं, r x एंड y का फॉर्मूला ये चीजें, यहां तक क्लियर? Yes, ma'am. अब न्यू एंगल की बात करते हैं. नाउ आई हैव दिस ट्राइंगल, सॉरी दिस ट्राइंगल एंड द एंगल, टोटल एंगल हेयर इज थीटा प्लस फाइव या फाइव प्लस थीटा. अब अगर इस टोटल एंगल में हम फॉर्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले कॉस का लगाएंगे. कॉस का फॉर्मूला क्या था? बेस बाय हाइपोटेन्यूज एक्स डैश बाय आर. यहां तक कोई डाउट? ये कैसे आया, समझ आया? तो शेडेड ट्राइंगल है उसमें लगा रहे हैं एक्स डैश बाय आर, और टोटल एंगल हमें पता है कि इट वॉज थीटा प्लस फाइव. अब बेटा आई हैव जस्ट टेकन दिस दिस साइड एंड अप्लाइड कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, विच इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. ये आपको, आई होप दिस फॉर्मूला इज क्लियर. यहां से ये कैसे आया यहां तक? आई हैव जस्ट अप्लाइड द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए प्लस बी, विच इज कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस माइनस साइन ए साइन बी. यहां तक कोई डाउट टिल हेयर? नो मैम. अब बेटा इस लाइन में जरा देखो, वन टू से चेक करो कि आर कॉस फाइव क्या था मेरा? इट वॉज एक्स फ्रॉम हेयर, तो दिस इज रिप्लेस्ड बाय एक्स. R sin phi क्या था? देखो सेकेंड से y, तो I have replaced this by y. यहां तक इस पेज में कोई भी डाउट है तो पूछो. अब मेरा क्या आया, एम क्या था मेरा? एम ये है कि मुझे तो फॉर्मूला निकालना है. देखो आपने x dash y dash निकाला था ट्रांसलेशन में और स्केलिंग में, ये कैसे आया था ट्रांसलेशन में? ऐसे. स्केलिंग में कैसे आया था एक्स डैश वाई डैश? एक्स इंटू एस एक्स, वाई डैश इज इक्वल टू वाई इंटू एस वाई. तो मेरा एम क्या होता है कि मुझे एक्स वाई गिवन होते हैं पॉइंट्स, एक्स डैश वाई डैश उनको यूज करके निकालने होते हैं, यही काम होता है. तो मैंने एक्स डैश तो आपको निकाल के दिखा दिया, अब मुझे ये बताओ वाई डैश भी निकालना पड़ेगा ना, फिर मैट्रिक्स बनाओगे. तो वाई डैश कैसे निकालोगे इस ट्राइंगल से? हाउ विल यू फाइंड वाई डैश? एक x डैश तो निकाल दिया, y डैश कैसे निकालोगे? साइन. यस, साइन. देखो क्या होएगा अगर मैं साइन लगाऊं इस टोटल एंगल पे, तो इट बिकम्स साइन फाइव प्लस थीटा इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. ये परपेंडिकुलर y डैश है मेरी, क्योंकि ये पॉइंट x डैश y डैश है ना, तो परपेंडिकुलर इज माय y डैश और ये हाइपोटेन्यूज इज माय आर. सब में आया? ये यहां चला जाएगा. नाउ यू विल सॉल्व एंड टेल मी कि वाई डैश की वैल्यू क्या आ रही है. आई एम गिविंग यू टू मिनट्स टू सॉल्व एंड यू विल रेज योर हैंड्स. वाई डैश सॉल्व करो. Only three students have done, others are sleeping. Four.
चलो आज थोड़े से डिफरेंट नाम है, आई एम हैप्पी. सान्या कैन यू टेल मी फर्स्ट स्टेप बेटा, पहला क्या, पहले क्या करेंगे हम? जब हमने साइन थीटा प्लस फाई को इज इक्वल टू वाई डैश अपॉन आर लिया था, तो हम आर को उस साइड लेके जाएंगे एंड हम साइन थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज साइन थीटा कॉस. बस बस नहीं 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 बस अभी नेक्स्ट स्टेप कोई और. ठीक है यहाँ तक परफेक्ट है. वाई डैश इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस फाई. साहिब सिंह इसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू क्या आएगी? हम sin a plus b वाले फॉर्मूले से खोलेंगे जो कि वैल्यू आएगी r sin phi cos theta plus r cos phi sin theta. ओके बस ठीक है, r cos phi sin theta. यस मैम. ठीक है थैंक यू जी. नेक्स्ट लेट मी टेक सम अदर नेम, वन सेकंड. साहिब के बाद सरबजीत सिंह आगे क्या करेंगे बेटा? मैम अब आर साइन फाइ की जगह वाई लिख देंगे ना, और आर कोस फाइ की जगह एक्स लिख देंगे. वन सेकंड, आई वांटेड टू राइट एंड आई हैव रब्ड. हाँ जी, who was answering? सरबजीत, are you there in the class? मैम जो r sin y दे रखा है ना नीचे, उसकी जगह y cos theta आ जाएगा वहाँ पे, और फिर plus x sin theta क्योंकि x की वैल्यू r cos theta. Right, thank you. Okay, okay, thank you. So what we have done is ये जो part है बेटा, this is my y, देखो यहाँ से r sin theta is my y only, r cos theta is my x only, तो अब मेरा आंसर क्या आएगा इसके बाद? y dash is equal to ये वाला पार्ट y है, y cos theta plus x sin theta, and it is better to write in xy form. तो y dash is equal to x sin theta, xy form में लिखोगे तो better है, plus y cos theta. किसी भी स्टेप में कुछ समझ नहीं आया तो पूछो. ये हमारा ट्रायंगल से आया, इसको यहां ले गए, इसको लेकर लेकर गए, तो मैंने सिर्फ अप्लाई करा है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, विच इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. वो अप्लाई करके फिर उसके बाद मैंने देखा कि ये वाला जो पार्ट था हमने अभी देखा था, इट वॉज वाई, और ये वाला पार्ट जो था देखो दिस इज एक्स. ठीक है, लेट मी शो यू द डेरिवेशन. One second. यहां तक समय आया, इसमें फिर फॉर्मूला लगाया और ये वैल्यू हमारी आ गई. अब बेटा ये x की वैल्यू आई है x डैश की, ये y डैश की वैल्यू आई है. अब यहां तक कोई डाउट, इन दोनों की डेरिवेशन कैसे आई है? मैंने पहले ही निकाल लिया था, ये तुम लोगों ने मुझे बताया है y डैश. यहां तक कोई डाउट इन दोनों पॉइंट्स में ये कैसे आए? अब जब इससे मैट्रिक्स बनाना है तो इससे मैट्रिक्स बनाना बहुत इजी है. यू डोंट हैव टू मग इट अप. ऑब्वियसली फॉर्मूला लर्न तो करना पड़ेगा लास्ट में, ये वाला नहीं, कोई और जब मैं बताऊंगी नेक्स्ट फॉर्मूला जो भी कराएंगे. बट इससे ये मैट्रिक्स कैसे आया वो शॉर्टकट बताने लगी हूं. तो बेटा इसको देखकर आप क्या करोगे, यू हैव टू यूज
द कॉलम मेजर थिंग, कॉलम मेजर यूज करोगे इसको देखकर, इससे कॉलम मेजर में डायरेक्टली बन जाता है। और कॉलम मेजर में मैंने आपको बताया था कि कॉलम मेजर में पहले हमारा मैट्रिक्स आता है, फिर मेरा इनपुट आता है। तो देखो मैट्रिक्स कैसे आ रहा है इसको यूज करके, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, इतना समय आया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इतना क्लियर हो गया इसको देखकर। और क्योंकि ये कॉलम मेजर है तो पहले मैट्रिक्स आएगा फिर इनपुट आएगा, ये भी हमें पता है। अब अगर आपने कॉलम मेजर लर्न कर लिया तो रो मेजर कैसे निकलेगा, रो मेजर विल बी फाउंड बाय टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। एक तो बेटा रो मेजर में वी विल हैव द इनपुट फर्स्ट फॉलोड बाय द मैट्रिक्स, इट विल बी द इनपुट फर्स्ट फॉलोड बाय द मैट्रिक्स। और इन दो मैट्रिसेस में देखो क्या डिफरेंस है, अगर आपने कॉलम मेजर लर्न कर लिया तो इसका ट्रांसपोज लो तो ये आएगा, देखो ट्रांसपोज में इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो ये कॉलम बन जाएगा देखो और ये सेकेंड कॉलम बन जाएगा। तो बेसिकली इन रो मेजर कॉलम मेजर द मैट्रिसेस आर एक्चुअली different by their transpose, the only difference between them is transpose, and the second difference is in the column major we have matrix first input later, and in row major we have input first and matrix later. Yahan tak koi doubt yahan tak beta, you have any doubt in the derivation of anti clockwise? Abhi kiska formula hai, theta se kar rahi hu main, origin pe mera pivot hai aur anti clockwise direction mein kar rahi hu, मतलब पॉजिटिव थीटा है मेरा, यहां तक कोई डाउट? किसका फॉर्मूला है, फॉर्मूलाज में कोई डाउट, मैट्रिक्स में कोई डाउट? नो मैम। तो फिर इट्स ओके देन, वी विल मीट टुमारो, दो वी डोंट हैव अ क्लास, व्हेनेवर वी हैव द नेक्स्ट क्लास वी विल मीट क्लॉकवाइज, वी विल कंटिन्यू इन दैट क्लास, एंड क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट भी करा वो खत्म नहीं होगा। और बाकी असाइनमेंट का लिंक अभी भी बंद नहीं है, ऐसे कोई स्टूडेंट है जिसने सबमिट अभी भी नहीं करा है इतना टाइम देने के बाद भी? आई होप एवरीबॉडी हैज सबमिटेड, तो ठीक है, हाँ है कोई? ओके गुड, तो फिर वी विल मीट व्हेनेवर द नेक्स्ट क्लासेस, एंड नेक्स्ट लैब में आई विल टेल यू हाउ टू मेक द फाइल एंड यू विल डिस्कस द ब्रेसेनहैम लाइन, तक हमने कर लिया ना, तो अब हम करेंगे ब्रेसेनहैम सर्कल, मिड पॉइंट सर्कल और फिर ट्रांसफॉर्मेशन पर आएंगे। ठीक है, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर, जितना आज कराया वो रोटेशन वगैरह सब क्लियर हो गया। ओके सो लेट अस मीट ऑन थर्सडे नाउ, आई गेस थर्सडे वी हैव अ क्लास। ओके।